हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मैथड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन इन टू द ईयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है जब हमें कान के द्वारा कोई मेडिसिन देते हैं तो उसमें जो मेथड यूज होती है, कान के द्वारा जब मेडिकेशन दिया जाता है, मेडिसिन दी जाती है, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंस्टिलेशन, ऑप्शन सी इनहेलेशन एंड ऑप्शन डी इनफिल्ट्रेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी इंस्टिलेशन। जब कान के द्वारा कोई मेडिसिन दी जाती है, इंसर्ट की जाती है या एडमिनिस्ट्रेट की जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंस्टिलेशन। यदि अब हम यहाँ देखें, फर्स्ट ऑप्शन दिया था हमें इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, जब नीडल के थ्रू पेरेंटल रूट से कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर की जा रही हो। कैसे, नीडल के थ्रू। इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, नीडल यूज कर रहे हैं और जो रूट यूज हो रही है वो है पेरेंटल। इसे हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंस्टिलेशन का मतलब है जब कान के थ्रू कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी तो उसे बोलेंगे इंस्टिलेशन। यहाँ थर्ड हमें बोला है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, जो हम इसमें जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो गैसेस के रूप में होती है। लास्ट है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में जो ड्रग यूज की जाती है वो जो है एब्जॉर्ब होती है, वो होती है या टिश्यू या सेल के थ्रू जाती है, टिश्यू या सेल। इंस्टिलेशन में कान के द्वारा जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो इंस्टिलेशन। इंजेक्शन में नीडल के थ्रू दी जा रही है पेरेंटल रूट से तो वह इंजेक्शन कहलाता है। इनहेलेशन में हम गैसेस का यूज करते हैं एंड जो इनफिल्ट्रेशन है उसमें हम जो ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो टिश्यू या सेल्स के थ्रू जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, योर पेशेंट से दैट ही यूरिनेट एट नाइट, यू वुड डॉक्यूमेंट दिस एट। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि आप जो पेशेंट है वो यदि बोल रहा है कि उसे नाइट में यूरिन हो रही है तो उसे हम डॉक्यूमेंट में क्या पुट ऑन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ओलियूरिया, सेकंड नॉक्ट्यूरिया, सी डिज्यूरिया एंड डी पॉलीयूरिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, जब नाइट में यूरिन पास होती है इनवॉलेंट्री तो उसे हम बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है, बोला है ओलियूरिया। ओलियूरिया का मीन्स है जब 24 आवर में जो यूरिन पास हो रही है उसका वॉल्यूम 55,000 ml से कम है तो उसे हम बोलते हैं ओलियूरिया। बट यदि ट्वेंटी फोर आवर में यूरिन पास जो हो रही है उसका वॉल्यूम 2000 ml से ज्यादा है तो उसे हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। और डिसयूरिया का मतलब होता है जब यूरिन पास करने में पेशेंट को पेन फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसयूरिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वट आर दी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीजन थेरेपी। ऑप्शन ए ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, बी इन्फेक्शन, सी कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन में पूछा गया है जब लंबे समय तक ऑक्सीजन किसी पेशेंट को दी जा रही है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है तो उसमें हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो हमें इसमें ये सारे ही कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, उसमें ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी भी होगी, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस भी हो सकता है। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा यदि हम देखें तो और हमें पेशेंट में क्या क्या देखने को मिल सकता है,
हमें उसमें पहला तो एक इन्फेक्शन देखने को मिल ही गया है, उसके अलावा हमें उसमें देखने को मिलेगा एस्फेक्सिया, सेकेंड हमें देखने को मिलेगा उसमें हमें रेट्रो लेंटर फिब्रोप्लासिया। थर्ड, यदि जो ऑक्सीजन दी जा रही है पेशेंट को वो ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका सफिशियंट जो ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए वो यदि नहीं हुआ है तो हमें देखने को मिलेगा ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये सारी चीजें भी हमें उसमें पेशेंट में देखने को मिल सकती है। फर्स्ट एक्सफेक्सिया, सेकंड रेट्रोलेटरल फिब्रोप्लासिया, थर्ड यदि जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो उसमें सफिशियंट ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हुआ हो तो हमें ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर इसमें है। साथ में हमें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन्फेक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड नेक्रोसिस भी देखने को मिलेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉज। जब प्रीटर्म बेबी है, प्रीटर्म बेबी हम किसे कहेंगे जो 37 वीक्स से पहले डिलीवर्ड हुए हैं, जो 37 वीक्स कंप्लीट होने के पहले डिलीवर्ड हो गए हैं वो प्रीटर्म बेबीज कहलाएंगे। और जब प्रीटर्म बेबीज को ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और उनमें ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है तो उसके कारण उसमें क्या देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए है नियोनेटल सेप्सिस, ऑप्शन बी नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लाजिया एंड डी आरडीएस। आरडीएस का मीन फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेट्रोलेंटल फिब्रोप्लाजिया। जब प्रीटर्म बेबी को ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है तो हमें उसमें आरओपी भी बोला जाता है इसको, इसका मतलब है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी इसमें क्या होता है, ये बाइलेटरल डिजीज होती है जिसमें जो रेटिनल के वेसल्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इसे इसलिए इस हमारा राइट आंसर है रेट्रोलेंटर फिब्रोप्लाजिया। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्रिकल ऑफ द स्कल इंडिकेट। जब हम किसी चिल्ड्रन का फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं और उस समय करते समय यदि उसकी स्कल एसिमेट्रिकल दिखाई देती है तो वो क्या इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए क्रैनियोडेप्स, ऑप्शन बी हाइड्रोसिफेलस, सी क्रैनियोस्टेनोसिस एंड डी ऑस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। जब एसिमेट्रिकल ऑफ द स्कल, जो स्कल रहती है चिल्ड्रन की वो एसिमेट्रिकल है, मतलब इधर साइड से बड़ी इधर साइड से छोटी नहीं दिखाई दे रही है, तो इसे हम बोलेंगे क्रैनियोस्टेनोसिस। हमारा फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया है क्रैनियोटेप्स, क्रैनियोटेप्स का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल इन नियोनेट एंड चिल्ड्रन। सॉफ्टनिंग ऑफ स्कल इज कॉल्ड क्रैनियोटेप्स। हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस किसे कहते हैं, जब सीएसएफ का एक्युमुलेशन होने लगता है ब्रेन में। सीएसएफ मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ब्रेन में। जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में इकट्ठा होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। इसका मतलब हमने देखा है एसिमेट्रिकल ऑफ द स्कल, और डी में बोला है ऑस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्ट। ये एक कंजेनाइटल बोन की डिजीज होती है,
इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक्स होती है और इसमें डिसऑर्डर पाया जाता है बोन्स का। ये कैसा होता है, जेनेटिक। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्रिकल ऑफ द स्कल इंडिकेट, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रैनियोस्टेनोसिस। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट एज अ सेफ साइट फॉर द आईएम इंजेक्शन। क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है, एडल्ट में आईएम इंजेक्शन लगाने की सेफ साइट कौन सी है। ऑप्शन ए है वेंट्रोग्लूटियल साइट, ऑप्शन बी वास्टस लैटरलिस साइट, ऑप्शन सी डॉर्सल ग्लूटियल साइट एंड डी रेक्टस फेमोरिस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेंट्रोग्लूटियल साइट। क्वेश्चन में आप देखिए एडल्ट पूछा है, जब एडल्ट में आईएम इंजेक्शन लगाना रहता है तो हमारी सेफ साइट होती है वेंट्रोग्लूटियल, बट यही क्वेश्चन में इन्फेंट पूछा जाता ए चिल्ड्रन होता तो हमारा इसमें राइट आंसर होता वास्टस लैटरल साइड फॉर सेफ साइड ऑफ आईएम इंजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, 18 गोज इंट्रावीनस कैनुला इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बी मेडिकेशन, सी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन एंड डी न्यू बॉर्न बेबी। क्वेश्चन में पूछा गया है जो आईवी कैनुला होता है 18 गॉज का, वो किस में यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम 18 गॉज के इंट्रावीनस कैनुला का यूज करते हैं।